हेलो गाइस, आप देख रहे हैं गॉसिप टाउन और मैं हूं आपके साथ कृतिका। बिग बॉस सीजन 17 के घर में बचे हैं अब टॉप 5 कंटेस्टेंट। कहा जा रहा है कि विकी जैन घर से इविक्ट हो चुके हैं, पर क्या गाइस आपको पता है विकी के जाने के बाद घर में 5 लोग बचे हैं जिसमें अंकिता है, अभिषेक है, मुनव्वर है, मनारा है और अरुण है। और ये जो 5 कंटेस्टेंट है इनमें ना फिनाले की रेस लगी है कि आखिरकार कौन शो का विजेता बनेगा। लेकिन 3 कंटेस्टेंट में से सबसे ज्यादा ज्यादा होड़ है ट्रॉफी को हथियाने की, और ये 3 कंटेस्टेंट है मुनव्वर, अंकिता और अभिषेक के बीच में ट्रॉफी की जंग छिड़ी है। पर क्या आपको पता है कि ऐसा लग रहा है कि ये शो ना पूरी तरीके से विनर को फिक्स्ड कर चुका है और माना जा रहा है कि अंकिता लोखंडे ही इस सीजन की विजेता बनेंगी। जी हाँ, ये मैं नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर ना आम जनता के साथ साथ कई टीवी के सेलेब्स भी यही कहते नजर आ रहे हैं कि मेकर्स बस बायस होकर ना अंकिता लोखंडे को ही शो का विजेता बनाना चाहते हैं और वो हर तरह की कोशिश कर अब अंकिता को ही विनर बनता देखना चाहते हैं। और वो अब पूरी स्ट्रैटेजी बना चुके हैं कि किस तरीके से अंकिता को इस शो को जिताया जाए। बताया जा रहा है कि अंकिता को लेकर पूरी प्लानिंग की गई है मेकर्स द्वारा उन्हें जिताने की। यही नहीं, मनु पंजाबी, किश्वर मर्चेंट, देवलीना भट्टाचार्य जी, ये तमाम वही जो सितारे हैं ये लगातार ना ये आरोप अब बिग बॉस पर लगा रहे हैं और कहते नजर आ रहे हैं कि पूरी तरीके से ना फिक्स्ड विनर है अंकिता लोखंडे बिग बॉस सीजन 17 की। क्योंकि जिस तरीके से मीडिया राउंड हुआ और उसमें अंकिता को ही पूरी तरीके से हाईलाइट रखा गया, इस तमाम चीजों से यही लग रहा है कि अंकिता की इमेज को पॉलिश किया गया है मीडिया द्वारा और मेकर्स ने ये पूरी साजिश रची है। कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही, देखते रहिए गॉसिप टाउन।